नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट मूड की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शमी समेत 26 अन्य खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से नवाजा गया। शमी ने 2023 के वर्ल्ड कप में अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया को फाइनल तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि फाइनल मैच में हारकर ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती चार मैचों में शमी को प्लेइंग 11 मौका नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें मौका, उन्होंने जमकर भुना, जहां पर शमी ने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले और 24 विकेट झटके और वो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। तो वहीं दोस्तों, मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की और 5 ओवरों में 18 रन देकर 5 विकेट झटके और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में तो गदरी मचा दिया, क्योंकि वहां उन्होंने 9.5 ओवर की गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 7 विकेट लिए थे। हालांकि वर्ल्ड कप के फाइनल में शमी कमाल नहीं दिखा सके और उनको सिर्फ 1 विकेट मिला था। इसके बाद दोस्तों, अर्जुन अवार्ड मिलने पर 33 साल की शमी ने खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये अवार्ड मेरा सपना था, पूरी लाइफ में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मिल रहा बहुत खुशी की बात है, प्राउड फीलिंग है एकदम। लाइक ऐसा होता है कि हाँ, एक सपना देख रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज है एक। तो दोस्तों, ये रही क्रिकेट मूड की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट मूड के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।